सामने बाइगोट्स की कंसीडर द लैंग्वेज टू बी ए डैश बाइगोट्स की लैंग्वेज को कौन रूप से आपणकर परिगणना करथिले बाइगोट्स की तुमर लैंग्वेज को कौन रूप से परिगणना करथिले बाइगोट्स की लैंग्वेज को कौन रूप से परिगणना करथिले कमेंट सेक्शन में कमेंट करो साउंड लो अच्छी लैंग्वेज को कौन रूप से आपणकर परिगणना जोर सुबुच आहुरी तुमर आहुरी कौन माइक लगे ना कौन ठीक ठाक अच्छे साउंड ठीक अच्छे किसी असुविधा ना साउंड ठीक अच्छे किसी असुविधा ना तो कह करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन अच्छी गोटे कल्चरल टूल ना आप मीनिंगलेस ना आप फन ना आप यूनिक टेक्निक कौटा हम करेक्ट आंसर निश्चित भाव में लांगुएज को बाइगोट्स की गोटे कल्चरल टूल हिसाब से परिगणित करते तेणु करेक्ट आंसर हूँ कल्चरल टूल हम करेक्ट आंसर कल्चरल टूल बुझिपारुच तेणु करेक्ट आंसर हूँ कल्चरल टूल हम करेक्ट आंसर कल्चरल टूल है कल्चरल टूल हम करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कही ड्यूरिंग ए टास्क ड्यूरिंग ए टास्क क्वेश्चन कही ड्यूरिंग ए टास्क सानिया इज टॉकिंग टू हरसेल्फ तो सानिया निज निज सहित कथा सानिया निज निज सहित कथा तो कह क्वेश्चन पचार ड्यूरिंग ए टास्क सानिया इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वे सी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क अकॉर्डिंग टू बाइगोट्स की आइडियाज ऑन द लैंग्वेज एंड थॉट दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज ए साइन ऑफ डेथ किए कह करेक्ट आंसर कौन हम एटा बाइगोट्स की कौन को आप सूचौ ये जो प्राइवेट स्पीचटा एटा आप कौन को सूचौ कौन हम करेक्ट आंसर वेरी गुड तो ये तुम मानक अलरेडी से देदेगी हारसेल्फ दे क्वेश्चन में देखिपुर थो तेना निश्चित भाव में यहाँ सेल्फ रेगुलेशन से निजक निजे केमी रेगुलेट कर निजक निजे केमी रेगुलेट कर बुझिपार तेणु करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर जो भी प्रश्न अच्छे से उत्तर अच्छे ठीक अच्छे बहुत बढ़िया तो बर्तमान आम से बाइगोट्स की जो रही तुम प्राइवेट स्पीच टाक स्क्रीन तुम मैंने देखिपुर थो जोटा कि एमती गोटे स्पीच जोटा कि निजक कौन कर डायरेक्ट कर बुझिपार कि ना ओके ठीक अच्छे आग को बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से कहते द टीचर ऑब्जर्व दैट रवि इज नॉट एबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम एलोन रवि एकाकी कर व्हाइल ही सॉल्व इट इजिली व्वेन इंडिविजुअली सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू हिम बाय हिज द टीचर जदि टीचर सपोर्ट करश्चित भाव में रवि से कौन कर आराम से करतमान मोर क्वेश्चन हो बाइगोट्स की थ्योरी अनुसार से जो सपोर्ट टाक आम कौन कह बाइगोट्स की थ्योरी अनुसार से सपोर्ट को आम साधारण भाव में कौन कही था बाइगोट्स की थ्योरी अनुसार से सपोर्ट को आम साधारण भाव में कौन कही था वेरी गुड बहुत बढ़िया तो करेक्ट आंसर जब देखा करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर डी सहित जोटा हूँ स्काफोल्डिंग सहित जीव करेक्ट आंसर कौन हम स्काफोल्डिंग बुझिपार क्लीअर समस्ते एवं आग को बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कही गिविंग द क्यूज टू द चिल्ड्रेन एंड ऑफरिंग द सपोर्ट एज एंड व्हेन नीड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश आम पिला किसी क्लू दवा बुझिपार तेणु पिला गोटे क्लू दवा पिला जो गोटे प्रोब्लेम सल्व कर तो से आम पिला गोटे क्लू दवा बुझिपार सहित जिते आवश्यकता कर एग्जांपल दवा ये आप गोटे एग्जांपल सहित आस करेक्ट आंसर कौन हम स्काफोल्डिंग हम करेक्ट आंसर स्काफोल्डिंग बुझिपार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कही चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग टू लर्न हाउ टू रीड बाय वर्किंग विथ द स्टूडेंट्स टू टीच हाउ टू साउंड आउट द वर्ड्स एंड यूज द वर्ड रिकॉग्नाइजेशन स्ट्रेटजी द चाइल्ड इज एबल टू लर्न टू रीड व्हिच कंस्ट्रक्ट डज सॉल्व द एग्जांपल हाइलाइट्स किए कह करेक्ट आंसर बढ़िया क्वेश्चन सब गुड़ाक तुम सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन निश्चित भाव में चैनल नुआ थे सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर एवं ता सहित आम व्हाट्सएप ग्रुप रे निश्चित भाव में जॉइन हो पार तो कह करेक्ट आंसर कौन हम चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग टू लर्न हाउ टू रीड बाय वर्किंग विथ द स्टूडेंट्स टू टीच हाउ टू साउंड आउट एंड यूज द अदर वर्ड रिकॉग्नाइजेशन स्ट्रेटजी तो पिला वर्ड ठार आरंभ करमी प्रोनाउंसिएशन कराए तो ताको पिला शिखुचे बुझिपार कि ना तेना यहाँ कहार गोटे एग्जांपल वेरी गुड तो ये जी आम कथा कह तेणु चाइल्ड इज एबुल टू
ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଲାର୍ନ କହିଛି, ଲାର୍ନ ଆଣ୍ଡ ରିଡ଼୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସରି, ହଁ, ଜୁନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ସହିତ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି? ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ ଥିଓରି ଅଛି, ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ? ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ ଥିଓରି ଉପରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ? ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ ଥିଓରିରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର୍ କର, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କର ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ ଥିଓରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏଥିରେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ସେ ଇଗ୍ନୋର କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ବାଇଗୋଡ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହ୍ୱେନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଆର୍ଜସ୍ ଦ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଦ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ କରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏସ୍। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସିଲାବସ୍ ଆଉ ବାଇଗୋଡ୍ସ୍କି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କ'ଣ କରିବା? ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ତ କୁହ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଆଡଲ୍ଟ ଆଡଜଷ୍ଟ ଟୁ ସପୋର୍ଟ କଥା କହିଲାଣି, ତ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରି ସପୋର୍ଟ କଥା କହିଛି ଏଠି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ସହିତ ଯିବ। କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼। ବାଇଗୋଡ୍ସ୍କି ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍। କ'ଣ ହେବ? ତୁମର ପିଆଜେଟ୍ କୁହ, ବାଇଗୋଡ୍ସ୍କି କୁହ, ବ୍ରୁନର୍ କୁହ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ଉପରେ ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜର ଥିଓରିକୁ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଥିଓରି ଇଜ୍ ୱାଇଲ୍ ଭ୍ୟୁଇଂ ଦ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଏଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସିକର୍ ଅଫ୍ ଦି ନଲେଜ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ? ତ ଜଲ୍ଦି କର, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ବୁଲେଇକି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ବୁଲେଇକି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ତ କୁହ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ତ ଏଠି ତମକୁ ସୋସିଆଲ୍ ଆଉ କଲଚରାଲ୍ କଥା କହିଛି ମାନେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ବାଇଗୋଡ୍ସ୍କି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ? ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂର ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂର ଗୁଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି? ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂର ଗୁଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି? କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କରିପାରିବା ଯେ ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ହାଫ୍ ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟେ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ। କ'ଣ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କଲର୍ ତ ସେଇଆ ଅଛି, କ'ଣ କରିବି, ଦେଖିବାର ରହିଥାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚଳିବ, ଏବେ ଚଳିବ ନା ଏଇ କଲର୍ଟା ଚଳିବ ନା ଏଇ କଲର୍ ଚଳିବ କି? ହଁ, ଦେଖିବା, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ବାଇଗୋଡ୍ସ୍କି? ବାଇଗୋଡ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ଅଛି? ବାଇଗୋଡ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ଅଛି? ବାଇଗୋଡ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଟ୍ରୁ ଅଛି? ବାଇଗୋଡ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ଅଛି? ୟେଲୋ ଠିକ୍ ଥିଲା, କିଏ କହୁଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି, କିଏ କହୁଛି? ହଉ, ବାଇଗୋଡ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ଥିଲା? ତେଣୁ ବାଇଗୋଡ୍ସ୍କିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରୁ କଥା ବହୁତ ସାରା ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ସାର୍, ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଗେନ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଦ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ନା ନା, ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କଥା ଇଏ କହିନଥିଲେ, ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ଶିଖିବ, ସୋସାଇଟି ସହିତ ପିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ଶିଖିବ।
तेणु करेक्ट आंसर हूँ नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द पीपल एज दे इंटरैक्ट। बुझिपारुच बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द वाइगोट्स्की व्यू ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाबद वाइगोट्स्की कौन कहते, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाबद वाइगोट्स्की कौन कहते, कौन हम करेक्ट आंसर। इट इज आसोसीएटेड विथ चिल्ड्रेन्स एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। एक कथा कहते, एक कथा आम जानते, जोटी कल्चर थी, जोटी तुम लैंग्वेज थी, आखि बुझिकी तुम मैंने कौन कर बाइगोट्स की मार कि कंडीशन कही रखुच्छी पड़ी ही मार ना मारदे पलि आस सर आम कही आम मारदे बुझिपार पड़ की ही मार ठीक अच्छे। चलो नेक्स्ट, मोटिवेशन गोटे कौन, मोटिवेशन ह्वाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन कहले आम कौन बुझा, ह्वाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कहले आम कौन बुझा, ह्वाट इज मोटिवेशन। आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड परसीव द इमोशंस इंटेलिजेंट स्टेट दैट गाइड्स आवर बिहेवियर टू अटेंड द गोल। आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। आवर एबिलिटी टू अडॉप्ट आवर एनवायरनमेंट। कौटा हम करेक्ट आंसर, मोटिवेशन। पढ़े तुम मन को नोट्स भी देती मोटिवेशन, तो कह करेक्ट आंसर कौन हम। मोटिवेशन टा होची वन टाइप ऑफ इंटरनल स्टेट, बुझिपार कि सब आमको गोल डायरेक्टेड कराए, बुझिपार मोटिवेशन सब गोटे गोल डायरेक्टेड कराए है गोटे लक्ष्य आड़ को सब ये नहीं कि जाए किए मोटिवेशन। तेणु मोटिवेशन सब आमको गोल डायरेक्टेड कराए गोटे लक्ष्य आड़ को सब नहीं जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, से कहे कैबिन रियली एंजॉय द राइडिंग साइकिल, तेणु से साइकिल चलेवा से कौन कर भल पाऊँ किए ता ना हूँ कैबिन। इट गिव्स हिम ग्रेट पर्सनल सैटिस्फैक्शन, तेल साइकिल चलेगी से सैटिस्फाई होउची। हिज डिजायर टू राइड द मोटरसाइकिल, तेणु से साइकिल रू मोटरसाइकिल चलेवा पई तार गुटे इच्छा अछि। बुझि पारछ तले एटा गुटे कहार एग्जांपल भितर आसुची, एटा गुटे कहार एग्जांपल भितर आसुची। एबले छोटो छोटो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन निहाते आसीबो, तो कोवा करेक्ट आंसर कोन हबो। करेक्ट आंसर एबले छोटो छोटो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आसीबो, तो कोवा करेक्ट आंसर कोन हबो। करेक्ट आंसर वेरी गुड। जदि पिलाटी इंट्रेनसिकाली मोटिवेटेड न होता तो से केबे भी ताको भल न लगि था, बुझिपारछ। तेणु तुम मैंने जपर्यंत तुम इंट्रेनसिकाली मोटिवेटेड है से पर्यंत तुम नेक्स्ट सीएचटी नेक्स्ट जेटी जहाँ भी आसु तुम क्लीयर करनी मुझे ग्यारंटी देखिए कहबी तुम मैं बुझिपारछ। तुम जिते आड़ जुआड़ू भिडियो देख जुआड़ू क्लास कर बानिक फानिक भी कोचिंग नियो किसी असुविधा ना। नेक्स्ट कह डैश इज द सेट अफ फोर्स दैट एनर्जीज डायरेक्ट एंड सस्टेन द बिहेवियर। इटा कहार डेफिनेसन, क्वेश्चन को जस्ट खाली बुले दे आ कि नुहे। ग्रुप हजार हजार पिला रोज कि देख ला क्लास कला बेलू आस कर सब शहे एकाशी खराब लगुच। डैश इज द सेट अफ फोर्सेस दैट एनर्जीज डायरेक्ट एंड सस्टेन द बिहेवियर किए सही तो गोटे लोक। करेक्ट आंसर कौन हम, करेक्ट आंसर हूँ तुम मोटिवेशन, बुझिपार। तेणु मोटिवेशन टा सब तुमको गोटे तुम जो रही बिहेवियर को तुम परिमार्जित करें तुमको गोटे एनर्जी जोगाए तुमको गोल डायरेक्टेड कराए, बुझिपार। तेणु करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। आगे बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनल फोर्स ऑफ मोटिवेशन इज ट्रू। रैपिडली कर चलो स्पीड मोड्रे कर चलो, या भितर कौटा तुम रही इंटरनल फोर्स ऑफ मोटिवेशन माने जोटा हूँ इंट्रेनसिक मोटिवेशन बाबद कौटा तुम ट्रू अच्छी कौटा हम। से कही ट्रू कौटा हम, देख दी प्रकार मोटिवेशन अच्छी तुम मैंने पढ़ी आस गोटे तुम मैंने पढ़ी आस कौन दी प्रकार मोटिवेशन अच्छे गोटे पढ़ी आस तो गोटे हूँ तुम एक्सटेनसिक गोटे हूँ इंट्रेनसिक मोटिवेशन। सो मन रख एक्सटेनसिक मोटिवेशन जितक इम्पोर्टाट रोज इंट्रेनसिक मोटिवेशन भी सेको इम्पोर्टाट रोचे। एक्सटेनसिक मोटिवेशन भी पिला आवश्यकता रही है कारण पिला जदि निजे निजे केवल मोटिवेटेड हो तो सी सब कम करें कारण अगर सहायतार पिलार कौन पिला किसी कार्य करें बुझिपार। तेणु यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो मैंने से करेक्ट आंसर अच्छी
जतिको तुम एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मोटिवेशन मीन्स एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन जतिको इम्पोर्टेंस अच्छी इंट्रेंसिक मोटिवेशन सेतिको इम्पोर्टेंस अच्छी बुझिपाच क्लियर समस्ते बुझा पड़ा आगू बढ़िया चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहे कौटा गोटे इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स नुहे पचार इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स कौटा गोटे इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स नुहे से पचार कर मुझे पा नहीं कैसे इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स आराम से कौन हेटा कौटा तुम पचार इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स भितर आसुना इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स भितर कौटा या भितर आसुना पचार वेरी गुड बहुत बढ़िया इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स भितर आपंकर फिडबैक्टा आसुना बुझिपार फिडबैक्टा हूँ एक्सट्रेनसिक रहा फिडबैक हम करेक्ट आंसर फिडबैक ठीक अच्छे आगक बढ़िया चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कही ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर रिसीव्स ए बोनस है तुम गोटे कंपानी ने चाकरी करमको तुम जे सुपरवाइजर बुझिपार कि नहीं सरी तुम जे ऊपर ऑफिसर रही सी तुमको बोनस दे बुझिपार कि नहीं तेणु तुम तुमको जो शेड्यूल दि जाइला तो से शेड्यूल पूर्व तुम कौन कल कामटा करदेल बुझिपार तेणु जो शेड्यूल दिगला से शेड्यूल पूर्व तुमने कामटा करदेल तेणु सी तुमको बोनस दे तो यहाँ कह एग्जांपल कौन हम एटा गोटे कहार एग्जांपल एटा गोटे कहार एग्जांपल कौन बेटा तो एटी जो बोनस टाक से काम को देखिक आउ से काम को भी आग को नब बुझिपार तेना करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी सहित रैट इज पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट हम करेक्ट आंसर कौन बेटा पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट हम करेक्ट आंसर पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट ठीक अच्छे आग को बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव इज टोल्ड दैट इफ ही एक्सीड्स हिज सेल्स फॉर द लास्ट 20 सॉरी लास्ट क्वार्टर बाय द 20% देन सम ऑफ हिज मोर डिफिकल्टी क्लाइंट विल बी ट्रांसफर टू अनदर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तामने तुम गोटे जगार चाकरी कर तुमको तुम ऑफिसर कहले जदि तुम एतिक सेल न करपर ताल तुमको से कौन करेंगे आउ गोटे जगह को ट्रांसफर करदे बुझिपार तेणु से आउ गोटे जगह को ट्रांसफर करदे से तुमको कहले तेणु यहीटा आपणकर कहार गोटे एग्जांपल तुमको जो टार्गेट दि जाइए तुम से टार्गेट रे जदि फुलफिल न करपर ताल से तुमको आउ गोटे जगह को कौन करेंगे ट्रांसफर करदे कहले तेल यहाँ गोटे कहार एग्जांपल भितर आसुची वेरी गुड तो ट्रांसफर करदे कथा से तुमको कही मैंने नेगेटिव भितर आसव तो करेक्ट आंसर कौन हम एटा नेगेटिव नेगेटिव रीएनफोर्समेंट नॉट पनिशमेंट पनिशमेंट से नुहे बुझिपार तो ये नेगेटिव रीएनफोर्समेंट कराऊ तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन कह किए तुम कही हु सजेस्टेड दैट अचीवमेंट मोटिवेशन एमंग द इंडिविजुअल्स एंड नेशन कैन बी डेवलप्ड थ्रू द ट्रेनिंग कोर्स तामने तुम भितर गोटे जो रही अचीवमेंट बुझिपार कि नहीं अचीवमेंट मोटिवेशन एमंग द इंडिविजुअल्स एंड नेशन कैन बी डेवलप्ड थ्रू द ट्रेनिंग कोर्स तेणु तुम भितर गोटे मोटिवेशन स्थापन करने गोटे पर्टिकुलर ट्रेनिंग दरकार एक कथा किए तुमको सजेस्ट करते एक कथा किए सजेस्ट करते एक कथा किए सजेस्ट करते तो करेक्ट आंसर कौन हम
एटा तुम रोच किए करते मी क्लां करते किए करते मी क्लां मन रख मी क्लां करते नुआ क्वेश्चन किए करते मी क्लां जो मास्लो कौन से करेक्ट आंसर ना बुझिपारुच कारण मुझे जानी तुम चिन्हीच मास्लो को तो से मारिदेल कि यार आंसर हूँ मी क्लां हम करेक्ट आंसर मी क्लां है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 जन पिला धन्यवाद देवी जो मैंने रेगुलर बेसीस रोचे रेगुलर क्लास करुँचर पर्सनाल ग्रुप रहीकि बुझिपारुच तो निश्चित भाव में बाकी जो मैंने ग्रुप रहीकि ठकाउं व्यवस्था मुझे आज करदेवि किसी असुविधा ना बुझिपारुच चल कह करेक्ट आंसर कौन हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द लर्निंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द लर्निंग तो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर लर्निंग को कौ फैक्टर टा आपको अफेक्ट करे इंटरेस्ट इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कौटा हम करेक्ट आंसर तो कह करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर तो कह करेक्ट आंसर कौन हम वेरी गुड वन टू थ्री आउ गोटे हूँ फोर तेणु ये सब गुड़ाक आप रोच बुझिपारुच ये सब गुड़ाक रोच इंटरेस्ट इमोशनल हेल्थ पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्नर रिलेटेड फैक्टर लर्नर रिलेटेड फैक्टर कथा कही कौटा या भितर गोटे लर्नर रिलेटेड फैक्टर से कौच नुहे जोटा कि लर्निंग को अफेक्ट कर अटेंशन मोटिवेशन टारगेट आउ गोटे रही तुम कम्युनिकेशन तो कण हम करेक्ट आंसर निश्चित भाव में आंसर दवा कह करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया निश्चित भाव में करेक्ट आंसर क्या सहित जीव ऑप्शन नंबर फोर हम कारण कम्युनिकेशन टा टीचर रिलेटेड बुझिपार चा टीचर रिलेटेड कम्युनिकेशन रो माध्यम बुझिपार कि ना तो गुड कम्युनिकेशन स्किल रहा दरकार कार टीचर बुझिपार तेना टीचर गुड कम्युनिकेशन स्किल रल। नेक्स्ट क्वेश्चन द कन्सेप्ट ऑफ रेडीनेस ऑफ द लर्नर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल इंपोर्टेंस ऑफ द टीचर्स रेडीनेस फंडामेंटल इंपोर्टेंस टू द टीचर ऑफ केजी क्लास प्राइमरीली ग्रेड वन एनी न्यू एक्टिविटी चिल्ड्रन विथ एकेडमिक डिफिकल्टीज बढ़िया क्वेश्चन खाली बुझार अच्छे खाली बुझार अच्छे क्वेश्चन कौन कही क्वेश्चन कही रेडीनेसटा आपंकर इंपोर्टेंट रही टीचर मान नुहे तुम मान भी ये सहायक हम तो मन रख यार करेक्ट आंसर जदि आम कह तो यार करेक्ट आंसर होकोसी तुम गोटे नुआ कार्य कर बुझिपार कि ना जेकोसी नुआ कार्य करवा पूर्व तुम मैंने प्रस्तुति होगा दरकार बुझिपारुच जेकोसी नुआ कमटे कर ता पूर्व कौन हवा दरकार प्रस्तुत होगा दरकार कारण पूर्व प्रस्तुति निहाती हूँ इम्पोर्टेंट रुझिपारुच ठीक अच्छे आग को बढ़िया चलो नेक्स्ट व्हिच आर द फैक्टर रिलेटेड टू द लर्नर्स दैट अफेक्ट्स द लर्निंग कौटा लाइक शेयर सब्सक्राइब हम जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होने चाहो जॉइन हो पार सागरिका सर्दिया कौन बेटा ऑल ऑफ द अबव सहित जीव ए सब गुड़ाक आप इम्पोर्टेंस रोच बुझिपार तेणु ये सब गुड़ाक आप इम्पोर्टेंस रोच चलो नेक्स्ट लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज यहाँ आप कौ लर्निंग थ्योरी आटा कौ लर्निंग थ्योरी आ ऑफ रेडीनेस
ऑफ एक्सरसाइज लॉज ऑफ इफेक्ट एटा आपनकर कोउ थ्योरी आसी तो करेक्ट आंसर कोन हो करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एटा कोउ थ्योरी रो आसी ट्रायल एंड एरर थ्योरी हो करेक्ट आंसर जो मैंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी देइछो समानकर करेक्ट आंसर अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पॉन्स ऑफ लर्निंग 250 पिला एलेनी काली रीजनिंग क्लास होबोनी क्वेश्चन आज पाइबोनी हला आज क्वेश्चन पाइबोनी काली रीजनिंग क्लास ऑफ 250 पिला जदी न होबे 250 पिला टारगेट अछि जदी हले हले जदी न होला काली रीजनिंग क्लास टॉप रहइबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द लर्निंग लर्निंग सहित आपंकर कौटा कौटा करेक्ट ना कमलाकांत रणा स्पीड करूँ सर रोसे करू जाओ रोसे कर जाओ पचर देख आगर पेट तापर जो कथा बुझिपार जाओ कमलाकांत तो कौन हम करेक्ट आंसर हूँ मैचुरेसन सहित तुम लर्निंग रिलेसन अच्छी किंतु सीए कौच एथेर मैचुरेसन सहित लर्निंग रो रिलेशन नाही तेणु से तेणु कौन हम तेणु से आम कहीपर तेणु ऑप्शन नंबर टू टा हूँ आप भूल अच्छी बुझिपार कि ना ऑप्शन नंबर टू टा आप भूल अच्छी कहीं ना यार कारण हूँ या जे मैचुरेसन आसिले पिला जाए कि सिखिबो चलो नेक्स्ट असाइनमेंट मेथड ऑफ द टीचिंग एटा कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो पिला मानन को असाइनमेंट मेथड रे जदि हम सिखेबा एटा कॉम्बिनेशन को दुटा मेथड रो कॉम्बिनेशन रहउची असाइनमेंट तुम्हें जो मैंने गवर्नमेंट बीएड करथिबो जो मैंने गवर्नमेंट सिटी करथिबो तुम्हें असाइनमेंट देकि ही आसथिबो बी हबो बी हम मु कौन कहल कि इट इज नो रिलेशन विथ द मैचुरेसन पा से नॉट करेक्ट अच्छी हला मुझे बी बोली कहली मु कौन भूल कही किसी तो भूल कही असाइनमेंट मेथड क्या सहित रिलेटेड असाइनमेंट मेथड तो कौन हम जो थे कि डिटरमाइन कर बुझिपार कि ना असाइनमेंट मेथड टा कौ सेंटेड मेथड असाइनमेंट मेथड असाइनमेंट मेथड टा हूँ तुम हूँ लेक्चर कम डेमोनस्ट्रेसन मन रख लेक्चर कम डेमोनस्ट्रेसन मेथड है तेणु लेक्चर कम डेमोनस्ट्रेसन मेथड लैबोरेटरी मेथड यहीटा ही असाइनमेंट दि जाए बुझिपार तेणु गोटे पर्टिकुलर असाइनमेंट पिला को दिया दिज्व तेणु एथेर तुम ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे आगो को बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग ये आप किए देते ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग ह्यूरिस्टिक मेथड वेरी गुड बहुत बढ़िया कौन हम करेक्ट आंसर ह्यूरिस्टिक मेथड एटा तुम आर्मस्ट्रांग देते किए देते एच ई आर्मस्ट्रांग हम करेक्ट आंसर एच ई आर्मस्ट्रांग जो मैंने से करेक्ट आंसर अच्छी एच ई आर्मस्ट्रांग ओके ठीक अच्छे आग को बढ़िया एच ई आर्मस्ट्रांग हम करेक्ट आंसर
नेक्स्ट गो देयर आर टीचिंग एड व्हिच कनेक्टेड अराउंड द सर्टेन स्किल सच एज रीडिंग लिसनिंग प्रोनाउंसिएशन सच टीचिंग एड आर कॉल्ड एज ह्यूरिस्टिक टा सर बुझांतु विजयलक्ष्मी बारिक क्लास सरला परे मारी देबो ह्यूरिस्टिक मेथड बाय एस आर स्टडी पॉइंट वन टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड थे मारिकी देख के पढ़ाई एटी आपणकर जो टीचिंग एड से व्यवहार करुछंती किए जो टीचिंग एड व्यवहार करुछंती किए व्यवहार करुछंती टीचिंग एड व्यवहार करुछंती तुमर टीचर तेणु ए रीडिंग लिसनिंग आ प्रोनाउंसिएशन ये सब स्किल गुड़ा को तुमर हो सब स्किल को सेंटर करके तुम व्यवहार करेंगे कौन कह एनसर एटा हूँ तुम स्किल बेस्ड बुझिपार कि ना स्किल बेस्ड कारण से स्किल को लक्ष्य रखिंट तुम इंग्लीश चारटा स्किल अच्छे ना कौन एल एस आर डब्ल्यू बुझिपार क्लीयर समस्ते बुझिपार कि ना ठीक अच्छे ओके तो ये टीएलएम तुम जो किए तुम एडगार डेल देते मन रख बुझिपार एडगार डेल तुम दे गोटे कौन दे गोटे तुम शंकु बुझिपार जोटा कि मान के परसेंट कौ टीएलएम केसेंट तार कम कौन बुझिपार तेणु एडगार डेल देते तो ताकू मन रख आनसर देवाई चेस्टा कर ठीक अच्छे सब गुड़ाक पढ़ाई जो मैंने पढ़ापी चाहूच रेगुलर बेसीस आम सहित जॉन हो पार फ्री रे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कही सक्रेटिक मेथड इज नोन एज डैस सक्रेटिक मेथड को कौन कह जाए सक्रेटिक मेथड इज नोन एज डैस सक्रेटिक मेथड को कौन कह जाए अदर नेम ऑफ सक्रेटिक मेथड कौन बरे सक्रेटिक मेथड एटा को कहते मन रख जो सक्रेटिक मेथड रही तार अदर नेम हूँ तुम क्वेश्चन आंसर मेथड बुझिपार तेणु एथेरे क्वेश्चन आंसर मेथड रो गोटे कहते मन रख एलेंगटिक मेथड कौन कहली एलेंगटिक एलेंगटिक मेथड बोली कही था बुझेगा एलेंगटिक मेथड मन रहा समस्त एलेंगटिक मेथड ठीक अच्छे कौन कहली एलेंगटिक मेथड कौन कहते क्वेश्चन आंसर मेथड बोली कहते मन रख समस्ते है तेणु करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हम बेले बेले पकईदेव नुआ भी शुणी थो बुझिपार मु कौन कहली एलेंगटिक एलेंगटिक मेथड बोली आम कही था क्वेश्चन आंसर मेथड बोली था मन रहा चलो नेक्स्ट एटा कह कौन वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल कौन हम स्पेसिफिक टू जनरल जिते बी तो से कौन है कौ मेथड हम करेक्ट आंसर स्पेसिफिक टू जनरल कौन हम ना एटा हूँ आप इंडक्टिव मेथड सहित जीव जिते आम इंडक्टिव मेथड सहित पिला परिचित करवा तो सेत गुटे स्टेप देखिए जा से स्टेप गुड़ाक मन रख छुआ ए सेट ऑफ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन तापर हूँ तुम सिकिंग पैटर्न इन दिस ऑब्जर्वेशन तापर हूँ तुम थियोराइज करवा बुझिपार तेणु यहाँ हूँ तुम स्पेसिफिक रू आम जेनेल आड़ को लेकिन गले बुझिपार एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन प्रथम करपर आम पैटर्न टाक खोजा तो यहाँ कौ आधार में करुझिपार तेणु ऑप्शन नंबर क्या सहित जीव ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर जो मैंने ऑप्शन नंबर ए देखते करेक्ट आंसर अच्छी इंडक्टिव मेथड हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट स्टूडेंट कौ मेथड रे पैसिव रही था जल्दी
ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯେଉଁଟା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ୍ ବୁଝିପାରୁଛ, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରେଡ୍ ମେଥଡ୍ ବୁଝିପାରୁଛ। ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ରେ ପିଲାଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପେସିଭ୍ ରହିଥାଏ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଆବାଉଟ୍ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ କିଏ କହିପାରିବ? ଫାଦର ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ୍ କ'ଣ ହବ? ଫାଦର ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ୱିଲିୟମ୍ ଏଚ୍ କିଲ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍, ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ଯେଉଁଟାକି 1908ରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଏ ମେଥଡ୍, ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ ଡୁଏ ବି ହବ, ଜନ୍ ଡୁଏ ବି ହବ, କିନ୍ତୁ କିଲ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ତୁମର ଫାଦର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ପାଇଁ କେଉଁଟା ତୁମର ଟ୍ରୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ପାଇଁ କେଉଁଟା ତୁମର ଟ୍ରୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ପାଇଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏଇଟା ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନୁହେଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହବ, ଏଇଟା ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ ଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ ଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ତୁମର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟେ ଦିଆଯିବ, ତାରି ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଦେବା, ଯାହା ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ଲିଅର୍, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତେଣୁ କିଲପାଟ୍ରିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ଜନକ, ଜନ୍ ଡୁଏ ବି ଦେଇଥିଲେ ତା ଉପରେ। ଚଲ ନେକ୍ସଟ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, କେଉଁ ମେଥଡ଼? ପ୍ରଥମ ମେଥଡ଼ର ଜନକ କିଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ଡିସ୍କଭର ମେଥଡ୍ କିଏ କହିପାରିବ ତମ ଭିତରୁ? ଡିସ୍କଭର ମେଥଡ଼ର ଜନକ କିଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ଡିସ୍କଭର ମେଥଡ୍ ମନେ ରଖିବ, 1960ରେ ତମର ହେଉଛି ବ୍ରୁନର ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍, ବ୍ରୁନରଙ୍କର ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? EIS କହିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆବଭ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ଡିସ୍କଭରି ମେଥଡ଼ର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ତମର ବ୍ରୁନର ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ବ୍ରୁନର, ବୁଝିପାରୁଛ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଏଥିରୁ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ହଇରାଣ କରିବା ଚକ୍କରରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଚଲ ନେକ୍ସଟ, ଏଇଟା କୁହ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼େଇବା, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ମେଥଡ଼ ହବ? ଖାତା ରଖିଥିବ ପାଖରେ, ଏଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ଲେଖି ଚାଲିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏନାକ୍ଟିଭ୍ ଆଇକନିକ୍ ସିମ୍ବଲିକ୍ ରାଇଟ୍, ତୁଳସୀ ନନ୍ଦୀ, କ'ଣ ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ନା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ କରିବା, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼? ତ ଏଠି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହିଁ ରହିବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କିଏ କହିପାରିବ ଫାଦର ଅଫ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼? ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ? ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼ର ଜନକ କିଏ? ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼ କ୍ନାପ୍ ହବ, ମନେ ରଖିବ, କ୍ନାପ୍, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, କ୍ନାପ୍, KNAPP, ବୁଝିହେଲା, କ୍ନାପ୍ ହବ, ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, କ୍ନାପ୍। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ କାହିଁକି ହବ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲ। ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖେଇବ, ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଖେଇବ, ସେଠି କ'ଣ ପିଲାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବ, ଜଳ କେତେ ଆଣିବ, ଆଉ ସରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେତେ ମିଶିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେତେ ମିଶିବ, ମିଶିଲେ ଜଳ ହବ। ତ ଏଠି ତୁମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେବ, ଡେମୋ ଦେଖେଇବ ପିଲାଙ୍କୁ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ହେଲା, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କୁହ, ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦାଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲର୍ନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କୋପରେସନ୍, ଏଇଟା କେଉଁ ମେଥଡ଼ କହିବା? ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଥମେ କହିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନେବ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ତାପରେ ସେ ଆସୋସିଏଟ୍ କରିବ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାପରେ କୋପରେସନ୍ କରିବ। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଙ୍ଗ ମେଥଡ଼, ମନେ ରଖ।
करेक्ट आंसर हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। किए कहीपर फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हु कैन से, किए कहीपर मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मन रखिब एटा हूँ तुमर पुलियो, पुलियो तुमर हूँ जॉर्ज पुलियो मुझी पीएल सॉरी पीओएल वाई ए जॉर्ज पुलियो बुझेगा क्लियर समस्ते बुझा पड़ी समस्त को जॉर्ज पुलियो। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट जॉन डुए भी हो कि मॉडर्न कथा जी पचारा कह फॉर ए टीचर टीचिंग ए क्लास विथ लार्ज स्ट्रेंथ व्हिच टेक्निक इज बेस्ट। 250 पिला गोटे क्लासरूम अच्छा 250 पिला गोटे क्लासरूम अच्छा तुम्हें जदि टीचर हम तेल तुम कौ मेथड को आपण की पढ़ाई भल हम 250 पिला अच्छा तुम क्लास रे कौ मेथड को आपण 250 पिला अच्छा गोटे क्लासरूम रे कौ मेथड को तुम आपण कौन हम करेक्ट आंसर। ये ऑब्वियसली लेक्चर मेथड छड़ा किसी भी कम दबनी आ कौन कर तुम अरे लेक्चर मेथड छड़ा किसी भी कम दबनी बुझीप तेणु लेक्चर मेथड ही कर बुझीप ग्रुप वार्क कर ग्रुप वार्क कर छुआ 250 पिला गोटे स्टूडेंट 250 पिला गोटे क्लासरूम अच्छा करके देखा देखा कैसे ग्रुप करते जन पिला पाखक तुम जापर तेणु ये क्लास नोट डाक विथ लेक्चर मेथड बुझीप के संभव हेनी के संभव हम ना मुदेली तुमको एटी के तुम्हें संभव करेक्चर मेथड को आपण सहित तुम्हें क्लास नोट पा डाक। चलो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मेथड आम जिते यूज करवा ईवीएस पढ़ापी एनवायरमेंटल स्टडीज तो से कही आपण को या भितर कौटा गोटे बेस्ट एग्जाम्पल हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करवा ऑब्जर्व करेंगे केमिति आलोक श्लेषण प्रक्रिय अम्लजान निर्गत हो कहीं नुहे बसंत दास पचार कहीं नुहे डिबेट कर डिस्कसन कर प्राक्टिकाल कर प्राक्टिकाल 200 पिला देखेदेव तुम एकटिया जाओ लेक्चर हो गोटे कलेज ना कौन आउ कहीं ना आउ कहीं क्लास करना ना तुम्हें दिन सारा मोर आज प्राक्टिकाल अच्छे मुझे प्राक्टिकाल करी 250 पिला मो क्लास अच्छा बुझीप कह कौटा बेस्ट मेथड हम जिते तुम ईवीएस तुम ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज कर वेरी गुड। तो प्राथमिक स्तर में जितेबाला आम पिला कौन करवा जितेबाला आम ऑब्जर्वेशन मेथड में पढ़ेगा तो पिला डायरेक्ट गोटे जिनस को ऑब्जर्व करेंगे तो तारिपर आम गुरुत्व दवा तेणु ए बेसीस जदि आम देखा ऑप्शन नंबर बी जोटा हूँ आस्किंग द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द डिफरेंट बर्ड्स एंड राइट डाउन दे आर एक्सटर्नल फीचर्स बुझीपुच क्लीअर समस्ते बुझा पड़ा ओके ठीक अच्छे बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहीं ना डायरेक्ट वर्ड ये ऑब्जर्व दे देखिपर थ। चलो नेक्स्ट अच्छा से कही जॉन डुए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच लर्निंग द रूल ऑफ टीचर जॉन डुए मतरे तुम्हारे जन टीचर रूल कौन हवा दरकार जॉन डुए मतरे जन टीचर रूल कौन हवा दरकार जॉन डुए मतरे जन टीचर रूल कौन हवा दरकार कौन हम वेरी गुड खाली जॉन डुए कहीं मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट मैंने भी कहते बुझीप टीचर सब बेले जन कौन फैसिलिटेटर बुझीप तेना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सहित जीव। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट सेंट्रेड स्ट्राटेजी एक्टिविटी आर सच एज डैश या भितर कौटा स्टूडेंट स्टूडेंट सेंटर्ड भितर आसुची कोऑपरेटिव लर्निंग डिस्कशन ड्रामा ना ऑल ऑफ द अबव तो कौन हम करेक्ट आंसर स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्राटेजी एक्टिविटी आर सच एज डैश कौन हम कोऑपरेटिव लर्निंग डिस्कशन ड्रामा ऑल ऑफ द अबव डिस्कशन ड्रामा जो ड्रामाटा रही तुमर भल से देख टिके ऑल ऑफ द अबव सहित जीवनी कन्फ्यूजन है कि मारुछ तुम्हें रो 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 डिस्कशन मेथड स्टूडेंट सेंट्रेड
ड्रामा हाँ हो पार किसी कथ ना डिस्कसन मेथड मैंने पिला डिस्कसन हम राइट ऑल ऑफ द अबव चलो नेक्स्ट से कह टीचिंग स्ट्रेटेजी इन ह्विच द टीचर रूल इज प्रेजेंट इन द इनफॉरमेशन एंड डायरेक्ट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स से कौन कहती एट देख सही हिंट्स तुमको से क्वेश्चन रे तुमको हिंट्स देख से क्वेश्चन टाक जब पढ़ भले से सही हिंट्स अच्छे देख दियो सर स्टूडेंट सेंटर टीचर सेंटर टी पढ़े अच्छी भाई एस आर स्टडी पॉइंट बोली मारदेव सॉरी अनलिस्टेड वीडियो अनलिस्टेड वीडियो अनलिस्टेड तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑब्वियसली कही टीचर रूल हूँ से इनफॉरमेशन को प्रेजेंट करेंगे ताने टीचर जिते कथ जानते से पिला आगे बखाणी तेना तो टीचर सेंटर्ड मेथड को ही तुम ये कर बुझिपार रूल प्लेइंग केबे भी हेनी बुझिपार रूल प्लेइंग केबे भी हेनी रूल प्लेइंग केबे भी हेनी बुझिपार ना रूल प्लेइंग रूल प्लेइंग टा हूँ तुम स्टूडेंट सेंटर्ड भितर आउथे कि तो पिला भूमिका हूँ जो थे गुरुत्वपूर्ण रोज किंतु एटी क्वेश्चन कौन कही कह भूमिका ये क्वेश्चन रे कह भूमिका कथा कह क्वेश्चन रे टीचर रूल कथा कह देख रे भाई टीचर रूल कथ ये कहुई बुझिपार तेना टीचर सेंटर्ड हम करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट द फॉलोइंग आर द आर ऑल बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट सेंटर्ड या भितर कोटा स्टूडेंट सेंटर्ड रो बेनिफिट नुहे या भितर स्टूडेंट सेंटर्ड बेनिफिट कोटा नुहे हायर अचीवमेंट हायर स्टूडेंट एंगेजमेंट इनक्रीज इन द बिहेवियरल प्रॉब्लम इनक्रीज इन द स्टूडेंट्स मोटिवेशन कोटा तुम नुहे पचार स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन बेनिफिट तो बेनिफिट रे बेनिफिट रे गोटे नेगेटिव वार्ड अच्छे देखाऊँ ना प्रॉब्लम गोटे वार्ड दे दीजिए तेनालीटा हम करेक्ट आंसर इनक्रीज योर बिहेवियरल प्रॉब्लम बुझिपार तेना प्रॉब्लम गोटे वार्ड दे दीजिए तेना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सहित जीव चलो नेक्स्ट लर्नर सेंटर्ड टीचिंग कहले आम कौन बुझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग लर्नर सेंटर्ड टीचिंग कहले आम कौन बुझा जल्दी लर्नर सेंटर टीचिंग रे आम पिला अपॉर्चुनिटी दे था बुझिपार पिला अपॉर्चुनिटी दे था जोटा कि पिला निजर नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट करेंगे बुझिपार चलो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज नॉट डेमोक्रेटिक या भितर कौटा तुम डेमोक्रेटिक भितर आसुनी या भितर कौटा तुम डेमोक्रेटिक भितर आसुनी कौटा हम लेक्चर मेथड लेक्चर मेथड लेक्चर मेथड टा हूँ ऑटोक्रेटिक टीचर जहाँ कहे हुज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कौटा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भितर कौट आप आसुनी वेरी गुड एटा भी सही कौन हम लेक्चर मेथड टा स्टूडेंट सेंटर्ड व्हिच टीचिंग अप्रोच इज ऑन द बिलीव दैट द टीचर नोन ऑल दि लर्नर्स इज रिक्वायर्ड टू नो तेणु टीचर सबकि जानते जहाँ कि पिला जनईबार आवश्यकता रही कौ मेथड एटा कौ मेथड जो थे कि टीचर सबकि जानते केवल पिला जनईबार आवश्यकता रही कौ मेथड वेरी गुड बहुत बढ़िया तो यहाँ हूँ तुम टीचर सेंटर्ड अप्रोच चलो नेक्स्ट डैश इज द डिफरेंस इन द लर्निंग बेस्ड ऑन द एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस लर्निंग डिफरेंस इन द लर्निंग कौटा हम डिफरेंस गोटे डिफरेंस कथा कह कौन हम तो जोटा तुम डिफरेंस से तुम सिनोनिमी हूँ डाइवर्सिटी तेनाली लर्निंग डाइवर्सिटी हम करेक्ट आंसर बुझिपार डिफरेंस रिनोनिमी हूँ डाइवर्सिटी डिफरेंस
ଯେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ୱାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିଲା ସେ 15ରୁ 15 ରଖିବ, କହି ରଖୁଛି। CST ରେ 15ରୁ 15 45 ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର କରିବ ହେଉଛି ତୁମର USA State ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି, କରିବ ହିଁ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ, ସେ କହିଛି ରିଡ଼ିଂ ଫଟୋଜ ଡାଇଗ୍ରାମ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭିତରେ ଆସିବ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖେଇକି ପଢ଼ଉଛି ବା ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଦେଖେଇକି ପଢ଼ଉଛି, ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି? ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖଉଛି ନା, ତ ଦେଖଉଛି ମାନେ ଭିଜୁଆଲ ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ, ଭିଜୁଆଲ ହବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୋଧ ବି ହେଇପାରିବ, ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବା ସହିତ ବି କହୁଛି ମୁଁ, ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ, ଇନ୍ ହେଟେରୋଜିନିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିକ୍ସଡ୍ ଆବିଲିଟି କ୍ଲାସ୍ ଏ ଟିଚର୍ ସୁଡ଼୍ ଡେସ୍, ହେଟେରୋଜିନିୟସ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲା ମିଶିକି ରହିଥିବେ। ହୋମୋଜିନିୟସ୍, ହୋମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନ, ହେଟେରୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏବଂ ମିକ୍ସ ଆବିଲିଟି କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ମାନେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ବି ରହିବେ, ତା ସହିତ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ରହିବେ। ତ ସେଇଟା ଟିଚର୍ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ଏଠି ଭେରାଇଟି ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡ଼କୁ ଟିଚର୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ନେକ୍ସଟ CST ବେସିସ୍ର, ବୁଝିପାରୁଛ। ୟେସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ ତୁମର ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏ ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଯାହା ଚାଲିବ ଚାଲିବ, ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଡେ ପାଖରୁ ଆମେ ଅନଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼େଇବୁ, ଯେତିକି ଜଣ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ, ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ବି ପେଡ଼୍ ବ୍ୟାଚ୍ କରିବୁ, କାରଣ ପେଡ଼୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନକଲେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। ଚୁଜ୍ ଦ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଫ୍ରମ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ, କେଉଁଟା ଏ ଭିତରେ ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ତୁମର ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି ବା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ? କେଉଁଟା ତୁମର ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ବେଷ୍ଟ, କେଉଁଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଡିଫରେନ୍ସ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ପିପୁଲ୍, ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ପିପୁଲ୍, ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ପିପୁଲ୍, ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ପିପୁଲ୍, ଇଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଦ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ପିପୁଲ୍, କେଉଁଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଡିଫରେନ୍ସ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି, ଛୁଆ ଏଇଟା ଡାଇଭର୍ସିଟି ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ତେଣୁ କେଉଁଟା ହେବ ଇଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଏ ତ ଦୁଇଟା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଇଟ୍ ଆସେପ୍ଟସ୍ ଦ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ପିପୁଲ୍, ଡିଫରେନ୍ସ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ପିପୁଲ୍, ଛୁଆ ଦୁଇଟା ହେଇପାରିବ ଏଥିରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଆମର ସେମ୍, ବୁଝିପାରୁଛ, ଦୁଇଟା ହେଇପାରିବ ଛୁଆ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଥିରେ, ଦୁଇଟା ହେଇପାରିବ। ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କ'ଣ ରେ? ସେ କହୁଛି ଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ମାନେ ପୃଥକ କରିଦେବ। ଚଲ ନେକ୍ସଟ, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆଡ଼ମିଟେଡ଼ ଟୁ ୟୋର୍ କ୍ଲାସ୍, ଉ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଏ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ବା ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ବହୁତ ଇଏ, ବୁଝିପାରୁଛ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି କଲଚର୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ତ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ତ ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ? କ'ଣ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା, ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ନର୍ମାଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ, ତାର ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ଼୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ, ସରି, ତ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଗଲା, ଓକେ, ଆଉ ଅଛି ନା? ଆଉ ନଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଉ ନଥିବ, ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ, ଚାହୁଁଛ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଆମେ ଅନଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ କରିକି ଆପରେ ସବୁ ପଢ଼େଇବୁ। ତ ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଜଏନ୍ କରାଇଦେବି, ନିଜର ନେମ୍କୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବୁ, ନେମ୍ ମେନ୍ସନ୍ ନକଲେ ମୋତେ କହିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି।
ओके थैंक यू समस्त को थैंक यू नमस्ते भलर था समस्ते जय जगन्नाथ समस्त जय जगन्नाथ। गोटे गोटे ऑफलाइन कमेंट कर गोटे गोटे ऑफलाइन कमेंट कर कौन हजार भी गलानी।